नमस्कार, मैं हूं भावना सुभाया और ये है मेरा इस हफ्ते का फिल्म रिव्यू द ग्रेट इंडियन फैमिली। विजय कृष्णा आचार्य डायरेक्टेड द ग्रेट इंडियन फैमिली कहानी है त्रिपाठी परिवार की। पंडित जी यानी कुमुद मिश्रा अपने संयुक्त परिवार के साथ बलरामपुर में रहते हैं और पूजा पाठ का काम करते हैं। उनका बेटा वेद व्यास त्रिपाठी यानी विकी कौशल बचपन से भजन गाते हैं और आज भजन कुमार के नाम से जाने जाते हैं। एक दिन उनके घर एक गुमनाम चिट्ठी आती है जिसमें लिखी बात घर की सुख शांति नष्ट कर देती है। अब विकी कौशल घर छोड़कर चले जाते हैं और अलग लिबास में अलग माहौल में रहते हैं। फिल्म का प्लस ह्यूमर, ट्रीटमेंट, म्यूजिक एंड साउंड। मैसेज, क्या धर्म इंसान से बड़ा है? फिल्म का माइनस, द राइटिंग इज डिवॉइड ऑफ एनी डिटेलिंग और एनी ऑथेंटिसिटी। बलरामपुर की सड़कें मुंबई से ज्यादा व्यस्त है। पंडित जी का परिवार पूजा पाठ से ज्यादा विवादों में समय बिताता है। मानुषी चिल्लर और विकी कौशल के रोमांटिक ट्रैक में रत्ती भर का लॉजिक नहीं है। चार, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विकी कौशल बलरामपुर के स्टार है मगर जब उन पर मुसीबत आती है तो उनके फैंस उनकी मदद को नहीं आते। परफॉर्मेंसेस में कुमुद मिश्रा इज ऑलवेज कन्विंसिंग और विकी कौशल इन एनी रोल इज ऑलवेज टेरिफिक। 1961 में यश चोपड़ा ने इसी विषय पर एक फिल्म बनाई थी जिसके लिए उनको नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म का नाम था धर्मपुत्र। द ग्रेट इंडियन फैमिली इसी के नक्शे कदम पर चलती है एक्सेप्ट के भाषण से भरपूर है। मैं भावना सुमाया द ग्रेट इंडियन फैमिली को बिग रेटिंग्स देती हूँ 2.5 स्टार्स।